हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा लास्ट टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया था। आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा बेटा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले सभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हिच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म। कि इसका मतलब है कि हर टर्म को पहले वाले टर्म में कोई ऐसा फिक्स नंबर ऐड करने से ऑब्टेन किया जाए तो वह जो आपका सीक्वेंस है वह आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें आप सीखोगे कि हाउ वी फाइंड द एक्सप्रेशन एन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप सीखोगे कि किसी एक्सप्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे बता सकते हैं। इसमें आप सीखोगे व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। दो फिक्स नंबर हमने यहां पे बताया था, दैट इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस। हाउ वी फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इसके बाद हम सीखेंगे थर्ड, इसमें अगले टर्म कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। इसमें आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टाइप है बेटा वो है एपी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एपी कहते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से लास्ट में क्या आएगी An, लास्ट टर्म जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। तो इसमें आपके पास A1 आपके पास A होता है, A2 आपके पास क्या होता है A+D, A3 क्या होता है A+2D और इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो एन क्या आएगा A+(n-1)(D)। ओके, तो यहां सबसे पहले हमने बताया कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लास्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके। लास्ट टर्म जैसे क्या है A2-A1 या A3-A2। ओके, तो ये जो वैल्यू कैसे आती है, ये आता है आपका फिक्स्ड नंबर, ये आपका फिक्स नंबर आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये जो आपके पास सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। क्यों, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहां A1 इज 2 एंड A2-A1 इज इक्वल टू A3-A2 इज इक्वल टू A4-A3। सभी का डिफरेंस चेक करते हैं, 4-2 आएगा, 6-4 ये भी 2 आएगा, 8-6 ये भी 2 आएगा। यानी ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए ये सीक्वेंस आपका क्या बनाता है, एपी बनाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। ओके, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार दोबारा रिकॉल करा दें, नंबर वन इसमें हम फाइंड आउट करेंगे आपके लिए टर्म एपी है या नहीं, यस या नो। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारे कॉमन डिफरेंस पे। नंबर टू, यदि ये टर्म एपी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। नंबर थ्री में क्या करेंगे, हम एपी भी चेक करेंगे और नेक्स्ट टर्म भी चेक करेंगे। चेक एपी एंड नेक्स्ट टर्म, एपी का भी पता लगाएंगे और नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मेक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किस किस सिचुएशन में बनती है और किस में नहीं बनती है। फर्स्ट है, कहता है द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कहता है फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना रुपीज है, 15 रुपीज है।
फिर कहता भी यदि आप 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाते हैं तो 8 रुपए देने पड़ेंगे, यानी पहले किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा 15 + 8 यानी 15, 23, नेक्स्ट में फिर 8 ऐड कर दो 31, और इन सभी केस में आपके पास डिफरेंस क्या आता है 8 आता है, जो कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, देयरफॉर ये आपकी एपी बनाएगी। सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग। कहता भी किसी सिलेंडर में जब एक बार पंपिंग करते हैं तो 1/4 जो एयर है वो इसमें से निकल जाती है। सपोज कीजिए 100 cm³ एयर है इसमें, एक बार पंपिंग की तो 1/4 यानी 25 निकल जाएगी, रह कितनी जाएगी यानी 100 के बाद आपके पास क्या रहेगी 75, फिर इसका 1/4 निकलेगा, यस ये क्या रहेगा 54 के नियर अबाउट, तो यहां डिफरेंस 25, यहां 18 समथिंग, तो ये एपी नहीं बनाएगा। थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ये कुआ है इसको खोदा जाता है बेटा, यदि 1 मीटर की गहराई तक खोदते हैं तो फर्स्ट 150 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर और खोदते हो तो 50 रुपए फिर ऐड कर दो, मतलब 200 हो जाएंगे, स्टार्टिंग में 150 फिर 200 फिर 50 फिर ऐड कर दो, तो इस केस में आपके पास जो डिफरेंस है वो 50-50 का है, सेम है, तो ये भी आपका एपी बनाएगा। इसी प्रकार से जो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 रुपीज डिपोजिटेड बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बेटा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इसका मीनिंग होता है ब्याज पे ब्याज लगना, चक्रवर्धी ब्याज। तो आपको पता है यदि ब्याज आने पे फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, वो प्रिंसिपल बनेगा, फिर उस पर अलग से हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इट मींस वो हमारा सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट आएगा, तो ये भी आपका एपी। सेकंड बेटा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। कहता है आपको फर्स्ट 4 टर्म राइट करनी है जहां आपको ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म गिवन है एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं पहले पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में आपके पास ए क्या है बेटा, ए है हमारे पास 10 और डी भी आपके पास क्या है 10। तो a1 = a यानी 10, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब a2 सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगी a + d यानी d 1 कम आएगा बेटा इसमें, ठीक है 2 है तो 1, 3 है तो 2, यहाँ a की वैल्यू 10, d की वैल्यू भी 10, यहाँ क्या आएगी आपके पास 20। फिर अभी a3 a + 2d a की वैल्यू 10, 2 × d 10 यानी 20 + 10 यहाँ क्या आएगा आपके पास 30। a4 आएगा a + 3d ओके, तो a + 3d तो a की वैल्यू 10 है प्लस 3 × d की वैल्यू भी आपके पास 10 है, तो यहाँ से 30 और 10 यहाँ वैल्यू क्या आएगी 40। तो AP की आपके पास टर्म क्या आएंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अब हम अटेम्प्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर, तो A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू -0.25, A1 आपके पास A है यानी -1.25, A2 क्या है A + d, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25, दोनों ही नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगी आपकी यानी -1.50। A3 आपके पास A + 2d -1.25 प्लस 2 × -0.25, ये अगेन नेगेटिव आएंगे, ऐड हो जाएंगी 50 और 125 -1.75। सिंप्लीफिकेशन को ध्यान रखो बेटा। नेक्स्ट है A4 a + 3d -1.25 प्लस 3 × -0.25, तो यहाँ आपके पास है क्या हो जाएंगी 75 एंड दिस ये आएगा 200 -2.00 एंड A5 क्या आएगा a + 4d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 4 × d की वैल्यू -0.25, तो 100 एंड 125 -2.25, तो एपी क्या बन जाएगी आपकी -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 एंड सो ऑन। नंबर थर्ड है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी सभी में आपको फर्स्ट टर्म बतानी है एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट में 3 है, इसमें -5,
1/3 एंड 0.5। तो हम इसमें करते हैं हमारा पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा, ये है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड ये वैल्यू क्या है आपके पास 1/3 एंड 4। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ D यानी कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो हम A2 माइनस A1 ही कर लेते हैं, 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम आएगा आपके पास 3। न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4/3। ऐसे ही आपको प्रीवियस भी करना है। Which of the following are AP? तो सबसे पहले हमें चेक करना है इनमें से कौन सी टर्म एपी है और कौन सी नहीं है। फिर कहता है इफ दन इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी बनाती हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट देयर 3 मोर टर्म। उससे 3 अगली भी बतानी है, नेक्स्ट टर्म भी बतानी है और कॉमन डिफरेंस भी राइट करना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में है बेटा 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो फॉर चेकिंग एंड एपी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो A2 माइनस A1, एक निकालते हैं हम A3 माइनस A2, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यदि वो सेम आते हैं तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो यहां आपके पास है 4 माइनस 2, क्या वैल्यू आएगी 2। इधर आपके पास A3 8 माइनस 4, यहां वैल्यू आती है 4। तो D is not same, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। Therefore this is not an AP, ये आपकी एपी नहीं बनाती है। ओके, अब हम करते हैं हमारा पार्ट नंबर फिफ्थ। तो पार्ट नंबर फिफ्थ में है आपके पास 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो हमने एपी के लिए क्या चेक किया, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 + √2, माइनस A1 क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहां से वैल्यू क्या आती है आपके पास √2। एक चेक कर लेते हैं हम A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 + A1 A2 A3 3 + √2 माइनस A2 में दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव करेंगे तो -3 - √2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 - 1 √2 यानी √2 रह जाएगा। डी इज सेम यानी डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये क्या बनाती है एपी बनाती है। नाउ फाइंड द नेक्स्ट टर्म A1 2 3 4 यानी A5 निकालना है आपको, A + 4D, A6 बताना है, A + 5D, D एक कम, A7 बताना है, A + 6D। तो A की वैल्यू क्या है, A हमारे पास है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है 3 + 4 × D क्या है √2। ठीक है, इसमें आपके पास A क्या आएगा 3 + 5 √2, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा 3 + 6 √2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारा पार्ट नंबर 12। इसका हमने 12th पार्ट उठाया है, इसमें से आपके एनुअल एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा 5.1 से 100%। ओके, तो हम 12th में है आपके पास, पार्ट नंबर 12th है बेटा, √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये एपी है नहीं है। फॉर दिस वी हैव टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, दो डिफरेंस चेक करते हैं। A2 की वैल्यू है √8 माइनस A1 है √2। √8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं √8, तो फैक्टराइज में क्या आएगा बेटा 2 × 2 × 2 यानी एक पेयर कंप्लीट हो जाता है 2 का, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 √8 की जगह, और -√2, तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करें क्या रह जाएगा आपके पास √2।
टू। यहां फिर चेक करते हैं रूट 18 माइनस रूट 8, 9 टू जा 18, 9 से क्या आएगा 3 रूट 2, और रूट 8 को हमने अभी राइट किया है 2 रूट 2, विद 3 रूट 2 में से 1, 2 रूट 2 माइनस से क्या रह जाएगा रूट 2, और डी आपका क्या आ जाता है सेम, और डी की वैल्यू क्या है रूट 2, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। ये क्या बनाती है एपी बनाती है। नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे आपके पास 1 2 3 4, ए 5 ए 6 ए 7, ए 5 आएगा ए प्लस 4d, ये आएगा ए प्लस 5d और ये आएगा ए प्लस 6d। ए की वैल्यू है रूट 2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म रूट 2, ये है 4 रूट 2, रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ये है रूट 2 6 रूट 2, और ये ऐड हो जाएंगे बेटा, ये 1 टाइम्स ऑफ रूट 2 है, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 रूट 2, ऐसे यहाँ आ जाएगा 6 रूट 2 और यहाँ हो जाएगा 7 रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऑब्जर्व किया हाउ वी फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, हाउ वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड हाउ वी चेक दिस फॉर्म मेक एन एपी और ए नॉट, ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है, एंड एट द लास्ट वी फाइंड देयर नेक्स्ट टर्म इफ दे फॉर्म एन एपी। यदि ये एपी बनाती हैं तो हमने चेक किया कि इनकी नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, सभी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।